भाजपा ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। इसी के चलते आज उज्जैन में राष्ट्रीयता को लेकर दो दिवसीय सोशल मीडिया वॉलंटियर्स के महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। विक्रम कीर्ति मंदिर में आयोजित कार्यक्रम का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुभारंभ किया। इस दौरान भाजपा के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, कैबिनेट मंत्री मोहन यादव और सांसद अनिल फिरोजिया मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज टीवी चैनल और सोशल मीडिया ने समाचार जगत में क्रांति ला दी है। बता दें कि दो दिनों तक चलने वाले इस महाकुंभ में अलग अलग सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिसमें देश भर के चुनिंदा सोशल मीडिया वॉलंटियर्स शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस ने फिर झूठे वायदे करना शुरू कर दिए हैं और आज से मैं रोजाना कमलनाथ को उनके द्वारा किए गए वायदे याद दिलवाऊंगा। आज नर्मदा जयंती है, मैं माँ नर्मदा को प्रणाम, नर्मदा मैया को प्रणाम करते हुए सभी प्रदेशवासियों को नर्मदा जयंती की बधाइयाँ देता हूँ। नर्मदा मैया से यही प्रार्थना है कि वो मध्य प्रदेश पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करें। उनकी कृपा से हमको बिजली मिलती है, उनकी कृपा से हमको सिंचाई का पानी मिलता है, उनकी कृपा से हमको पीने का पानी मिलता है। उनकी कृपा सदैव बनी रहे। आज अनेकों नर्मदा जयंती के कार्यक्रम पूरे प्रदेश में हैं और आज मैं इसलिए भी प्रसन्न हूँ कि आज से दो साल पहले नर्मदा जयंती के दिन ही मैंने संकल्प लिया था रोज पेड़ लगाने का। आज उस संकल्प के दो वर्ष पूरे हो गए, तीसरा वर्ष प्रारंभ हो गया है और मुझे खुशी है कि मैंने लोगों से आह्वान किया कि आप जन्मदिन के दिन कम से कम पेड़ लगाओ, तो ऐसे लगभग 67 लाख पेड़ लोग लगा चुके हैं। अंकुर एक अभियान बन गया है। आज सोशल मीडिया के कई दिग्गज महाकाल बाबा की नगरी में यहाँ एकत्रित है, एक सोशल मीडिया कॉन्क्लेव हो रहा है, उसी कॉन्क्लेव में मैं भाग लेने के लिए यहाँ आया था। ठीक है मामा, आज कॉन्क्लेव तो हो ही रहा है, पूरे देश के जो मीडिया जगत के हैं सोशल मीडिया नेटवर्क के, किस प्रकार उनको आपने समझाया और क्या? मैंने तो खैर सोशल मीडिया के महत्व के साथ मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है उसकी जानकारी दी, बाकी विषयों पर वे चर्चा करेंगे। लेकिन आज मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने फिर से झूठे वादे करना प्रारंभ कर दिए। उनके वचन पत्र में जो वचन दिए थे, अब मैं लगातार पूछूंगा कमलनाथ जी से, वो एक भी पूरे नहीं किए। आज एक वचन उनमें से मैं आपको बताता हूं, इन्होंने कहा था हम गेहूं हो, चना हो, सरसों हो, चावल हो, कई फसलों के नाम लिख के कहा था बोनस देंगे। 1.25 साल में एक को भी बोनस दिया क्या कमलनाथ जी? आखिर झूठ की भी हद होती है। अब मैं सवाल पूछने का मेरा सिलसिला प्रारंभ होगा उनसे।